बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। शनिवार को 28 कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 251 तक पहुंच गई है। शनिवार को देर शाम तक 28 नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि रोज़ 15 से ज़्यादा नए केसेज सामने आ रहे हैं। राज्य के कुल 38 जिलों में से 21 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं। एक सप्ताह पहले तक राज्य के 38 में से केवल 10 जिले संक्रमित थे, बाकी जिलों में कोरोना नहीं पहुंचा था, लेकिन अब 21 जिले संक्रमित हो चुके हैं और किसी न किसी रूप में कोरोना पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शनिवार को सिटी पोस्ट को बताया कि पटना में 7, कैमूर में 6, बक्सर में 5, मुंगेर में 3, रोहतास में 2, गया, अरवल, भोजपुर, वैशाली और सारण में 1-1 कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पटना एम्स में कोरोना संक्रमित मुंगेर जिला निवासी एक मरीज की पिछले 21 मार्च को, वैशाली जिला निवासी एक मरीज की पिछले शुक्रवार को मौत हो गई थी। यानी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है और माना जा रहा था कि इन 2 लोगों ने कोरोना के चेन को बहुत बढ़ा दिया था। अब तो पटना में आधे दर्जन से ज़्यादा हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पटना में कोई छूट नहीं है लॉकडाउन में। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि मोहल्ले की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन पटना में दुकानें नहीं खुलेंगी। पटना DM ने साफ कर दिया है कि जिस स्तर से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये छूट नहीं दी जाएगी पटना में। तो बिहार में ये छूट नहीं मिलने वाली है। आपको लॉकडाउन का सख्ती से अभी भी पालन करना है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और बिहार में 22 मार्च को कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला आया था। सुबह में अब तक 21 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। मुंगेर में सबसे अधिक 65 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा नालंदा में 34, सिवान में 30, पटना में 33, बक्सर में 28, कैमूर में 14, बेगूसराय में 9, रोहतास में 9, गया में 6, भागलपुर में 5, गोपालगंज, सारण और नवादा में 3-3 और बांका, औरंगाबाद, भोजपुर, वैशाली में 2-2 और लखीसराय, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा और अरवल में 1-1 मामले सामने आ चुके हैं। तो जो जिले अछूते थे अब तक कोरोना के संक्रमण से, वो भी उसकी चपेट में आ चुके हैं। तो अभी सावधान रहना ही आपके फायदे में है। मुंगेर में आपको पता है कि अभी तक 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज पटना में हो चुके हैं और सिवान जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण था वहां पर केवल अभी 30 तक आंकड़ा ठहरा हुआ है। तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण पूरे राज्य में फैल रहा है तेज़ी से, उसको देखते हुए लॉकडाउन का पालन बेहद सख्ती के साथ करना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी आपके जीवन के लिए खास मायने रखता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में किस तरह से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हम घर में रहकर ही इससे लड़ाई लड़ सकते हैं।